नमस्कार, LNB टीवी में आपका स्वागत है। डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। दमोह न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी पद के साक्षात्कार के लिए हजारों की भीड़ देखी गई। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पगड़ी बांधकर महिलाओं ने समरसता का संदेश देते हुए वाहन रैली को निकाला। बड़वानी के PG कॉलेज मैदान में 11 फरवरी को होने जा रहे हिंदू समरसता सम्मेलन के चलते महिलाओं ने पगड़ी बांधकर फूल नहीं चिंगारी है हम भारत की नारी के नारे लगाते हुए ध्वज लहराते हुए शहर के मुख्य मार्गों से वाहन रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। यह रैली कन्या स्कूल मैदान से शुरू होकर शहर में घूमने के बाद वापस कन्या स्कूल पर पहुंचकर खत्म हुई। बड़वानी से रंकेश वैष्णव की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश एवं यातायात थाना प्रभारी रीता सिंह के मार्गदर्शन में सूबेदार आनंद कलेरेसिया एवं भारतीय आर्य ने दुपहिया तिपहिया चौपहिया वाहनों पर कार्रवाई करते हुए समन शुल्क वसूला। दमोह नगर के विभिन्न चौराहों पर वाहनों पर कार्रवाई की गई। LNV TV के खेल समाचारों में आपका स्वागत है। दमोह नगर के JPB स्कूल के मैदान पर चल रहे सालोमन उस्ताद हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में शुभारंभ के पूर्व पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। स्वर्गीय सालोमन उस्ताद एक प्रति हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में सागर विजेता और दमोह उप विजेता रहा। मैच का नतीजा यह रहा कि सागर ने 5-1 से जीत दर्ज कराई। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि अब इस दमोह को इस पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने का एक अवसर है और आप लोगों को अपनी अच्छे उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपनी प्रतिभा का परचम फहराना है। आज इस खेल में जो विजयी टीम है सागर की टीम, हम उसे बधाई देते हैं और साथ में जो दमोह की टीम है उसने भी काफी अच्छा खेला है। निश्चित रूप से खेल में हार जीत का महत्व नहीं होता है और जब दो लोग खेलते हैं तो एक जीतता और एक हारता है। जो जीतता है उसको हम बधाई देते हैं, आगे उसको डिफेंडिंग टीम बन के अपनी जो उसका वर्चस्व है उसको बरकरार रखने की जिम्मेदारी होती है, पर जो हार जाता है किसी कारण से यदि वो फर्स्ट नहीं आ पाया तो उसको अगले अवसर को चुनौती के रूप में लेना चाहिए कि वो आगे आने वाले सभी खेलों में टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करेगा। मैं दोनों टीमों को बधाई देता हूं। यहां पर जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो उभरती हुई प्रतिभाएं हैं, उनको भी मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग निरंतर खेल भावना से इस मैदान में अपना पसीना बहाएं और निश्चित रूप से आगे जब आप ऐसा करेंगे तो एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में अच्छी टीम के रूप में दमोह में बुंदेलखंड में अपना नाम रोशन करेंगे। मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं आयोजकों को मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीनियर हॉकी खिलाड़ी RR खुशाल ने कहा कि विद इन नो टाइम में सिद्धार्थ महोदय ने यहाँ आकर इस ग्राउंड की गरिमा को बढ़ाया, हम सबको प्रोत्साहित किया, उनको मैं साधुवाद देता हूँ। ठाकुर नारायण सिंह ने भी संबोधित किया कि खेल में हार जीत उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि खेल महत्वपूर्ण है। मैंने खेल महत्वपूर्ण है, हार जीत महत्वपूर्ण नहीं है। और अभी दर्शक दीर्घा में बैठे मेरे मित्र विजेता और उपविजेता टीम के साथ निर्णायक और कोचों को भी सम्मानित किया गया। धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपका स्वागत है।
मातारदा मैहर के पैदल यात्रा के साथ दरभंगा लौटने वाले यात्रियों का नैनपुर में भव्य स्वागत और अगवानी की गई। विदित हो कि तुलसी चंद्रौल के नेतृत्व में सुरेंद्र सेन, राधे वंशकार, रिंकू नंदा सहित बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों हेतु मैहर गए हुए थे। नैनपुर से डब्बू सिंह की रिपोर्ट। यह थे अब तक के मुख्य समाचार। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।